अभी सबसे पहले लोकेशन देख लो, क्या लोकेशन है ये देखो, जो पानी था ये पूरा पानी बह के इसने पूरी मिट्टी खा ली, यहाँ से पूरी जितनी मिट्टी देख रहे हो ये पूरी खा ली। और जो गाड़ी को देख के आप पहचान गए होंगे कौन सी गाड़ी, अगर नहीं पहचाने तो ये देख ली सबसे पहले चाबी गाड़ी की, गाड़ी का नाम है टोयोटा हाइलक्स। यहाँ पर चाबी के अंदर दो बटन आते हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर बूट नहीं आता, बूट क्यों नहीं आता उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले देखिए लॉक अनलॉक के दो बटन यहाँ पर दिए गए, टोयोटा की बैजिंग और हाइलक्स की बैजिंग यहाँ पर दी गई। चाबी दो चीजों में, एक सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है और एक बेसिक चाबी आती है। फ्रंट में यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहली जो चीज हमें देखने को मिलती है ब्रॉडनेस, हाइलक्स का लोगो, हाइलक्स का बैज यहाँ पर दिया गया। टोयोटा का जो लोगो है वो काफी बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टा खड़ी है, क्रिस्टा की देख लीजिए आप कितनी लुक जो है वो मिलती जुलती यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और अगर आपको कोई भी टोयोटा का प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो टोयोटा अमृतसर एंड पठानकोट पे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल हेडलाइट आती है लेकिन ये बाई प्रोजेक्शन हेडलैम्प है, यानी कि हाई बीम और लो बीम दोनों का यहाँ पर काम करने वाला है। ये 4x4 के साथ आती है और प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल है, लाइफ स्टाइल व्हीकल इसको काउंट कर सकते हैं। इसुजु डीमैक्स वी क्रॉस के कॉम्पिटिशन में गाड़ी उतारी गई है, 180 देशों में ये पहले से ही बिक रही है सक्सेसफुली, 2 मिलियन यूनिट्स इसकी बिक चुकी है, यानी कि 20 लाख के आसपास गाड़ी ऑलरेडी बिक चुकी है और बहुत ही ज्यादा रिलायबल गाड़ी है टोयोटा की तरफ से। क्रोम का बैजिंग पूरे आगे की तरफ देखने को मिलता है, पीछे की तरफ भी यहाँ पर क्रोम, ये फैक्ट्री फिटेड ही है, टोयोटा का लोगो भी यहाँ पर क्रोम के साथ आता है। साइड में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइड फेंडर देखने को मिलेगा जिसका साइज जो है बहुत बड़ा है, उसके बाद देखेंगे तो फुटबोर्ड देखने को मिलता है और यहाँ पर क्रोम के साथ साइड मिरर देखने को मिलता है। हाइलाइट्स का बहुत बड़ा बैजिंग है, क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पर कैपेसिटिव बटन भी दिया गया, इसको दबा के आप गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर व्हील वेल देखने को मिलता है, जो सस्पेंशन आपको हमने बताए थे वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब टायर का जो साइज है वो है ब्रिजस्टोन, ब्रिजस्टोन का टायर जो है यहाँ पर 18 इंच का देखने को मिलता है, 265/60R 18 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, मतलब टायर की जो प्रोफाइल है वो चौड़ा बहुत सारा है। जी तरह यहाँ पर आपको दिखाया था कि साइड ऊपर जो बेड है उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, वो सब चीजें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी आपको लगवानी पड़ती है गाड़ी को कवर करने के लिए। अब देखते हैं पीछे की तरफ, सबसे पहले पीछे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं और रिवर्स पार्किंग के साथ यहाँ पर जो कैमरा है वो छुपा के यहाँ पर दिया गया ताकि कोई चुरा ना सके। उसके बाद ये जो है ये की होल है, यहाँ से दबा के आप अब देख लीजिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर के ऊपर देखें तो ये अब ये तो पूरा खुल गया। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा सामान हो जो आगे से भी ऊपर है पीछे से भी ऊपर है तो उसको खोलने के लिए आपको ये पीछे की तरफ से ऐसे खोलना होगा, खींचना होगा, तब जाके आप इसको पूरा खींच सकते हैं। अगर जब पूरा नहीं खींचेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, जैसे आप पूरा खींचेंगे तो लॉक भी हो जाता है। इसको डाउन करने के लिए फिर से आपको ऐसे करना है और वहाँ पर आप देखें तो बूट की लाइट भी दी गई है। उसी के साथ अगर आपको ये खोलना है इसको खोल के आप छोड़ सकते हैं तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ भी आता है। यहाँ पर कोटिंग दी गई है, यहाँ से खींच के आप बंद कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। चलो जी हम लोग आ गए हैं हाइलक्स के अंदर और ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट है और इसके अंदर आता 3 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी के जो इनिशियल इंप्रेशंस हैं वो ये है कि सबसे पहले जो रगड़नेस है वो गाड़ी के अंदर घुसते ही मालूम चलेगी, एकदम रगड़ जो इंटीरियर होता है वो है। आपको हल्का हल्का फॉर्च्यूनर जैसी याद भी आएगी इसके अंदर क्योंकि इंटीरियर थोड़ा हल्का फुल्का मैच करता हुआ यहाँ पर आ रहा है, जैसे घड़ी जो है ये वैसी आती है। स्टीयरिंग व्हील जो है वैसा वैसा आपको फील होगा। स्टीयरिंग की बात हो रही है तो बता देता हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है जिसकी वजह से इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो हैवी है। हैवी होने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए आप ऑफ रोडिंग के टाइम पे जा रहे हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील होते हैं वो आपको ज्यादा पावर नहीं प्रोवाइड करा पाते टर्निंग के लिए, लेकिन हाइड्रोलिक जो है वो आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, साथ में आपको पावर जो होती है स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए वो भी आपको उतनी ही प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद अगर आप हाई स्पीड के ऊपर जाए इस गाड़ी को लेके थोड़ा हैवी स्टीयरिंग व्हील होने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सीट की हाइट हमने काफी ऊपर कर दी है जिससे हमें जो बोनट है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं कि ट्रैफिक में हम चला नहीं सकते। हमें फील हो रहा है कि जैसे हम नॉर्मल जो गाड़ियां होते हैं जैसे कार्स होती है वैसे चला रहे हैं, वैसे ही ये चल रही है। 3 लीटर का इंजन है तो पावर इसके अंदर बहुत बढ़िया है, 500 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। अभी गाड़ी हमने स्टैंड स्टिल कर दी है और इसके बाद से हम लॉन्च करके देख, चलो निकल गई है, रेडी 1 2 3। 4000 RPM, 4500 RPM के आसपास पहुंच गई थी और ये पहुंच गई 80 की स्पीड, बहुत दमदार स्पीड हो। स्पीड के बारे देख लीजिए बहुत स्टेबल है गाड़ी अभी तक। और अभी इसका ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कितनी ज्यादा स्टेबल रह पाती है गाड़ी रोड आगे एकदम खाली है। 1 2 3 वो देख लीजिए काफी स्टेबल थी, मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि यार गाड़ी इधर उधर भाग रही है, एकदम सीधी लाइन में जिस लाइन में मैंने रखा था गाड़ी को उसी लाइन में इन्होंने ब्रेकिंग किया है। अभी तो ये नॉर्मल मोड के अंदर चल रही थी, अभी हम चलाएंगे इसको पावर मोड के अंदर, पिकअप जो है इसकी पावर मोड के अंदर देखेंगे। थोड़ा फिर से हम स्टॉप करते हैं गाड़ी को, पावर मोड में शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 तो गाड़ी ने पिक किया और ये 80 हम लोग टच करने वाले हैं, 80 हम लोग 100 टच कर गए। 100 होने के बाद भी बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी, यहाँ पर देखेंगे कितनी स्मूथ,
यार गाड़ी भागी जा रही एकदम, और ये हल्का सा बाउंस, लेकिन बाउंस हुआ नहीं, गाड़ी ने बहुत सही तरीके से कंट्रोल, 120 हम पहुंच गए थे। अभी आपको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी दिखाते हैं इसी गाड़ी के साथ। तो यहाँ से हम लोग हल्का फुल्के ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर आ गए हैं, मतलब झटके वटके ज्यादा फील नहीं हो रहे, गाड़ी बहुत ही स्मूथ तरीके से निकलती हुई जा रही है। डर गया। अरे भैया कोई बिना कोई दिक्कत भी नहीं थी। अच्छा चलो, यहाँ से हम लोग 4x4 एंगेज करते हैं, न्यूट्रल 4 एंगेज हो गया है। चलो जी ट्राई मारते हैं आज ऑफ रोडिंग, हम कोशिश करेंगे बचा बचा के चले। और कुछ 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 फील नहीं हो रहा कि हम लोग इतने झटके वाले एरिया में जा रहे हैं, स्मूथली निकले जा रहे हैं, स्मूथ मतलब कोई स्ट्रगल ही फील नहीं हो रहा। स्ट्रगल जो होता है ना, स्ट्रगल किसी गाड़ी को बाहर निकालने, इस गाड़ी के अंदर अभी तक हाईवे ट्रेन के टायर की हैं और कोई भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाले टायर्स नहीं लगाए हुए, लेकिन फिर भी वो जो स्ट्रगल होता है ना वो फील नहीं हो रहा। अभी सबसे पहले लोकेशन देख लो, क्या लोकेशन है ये देखो। ये जो डैम था, सॉरी डैम बोल रहा हूँ, जो पानी था, ये पूरा पानी बह के इसने पूरी मिट्टी खा ली, यहाँ से पूरी जितनी मिट्टी देख रहे हो ये पूरी खा ली। और जो वो पुल था, चक्की पुल, वो मतलब उसको पिलर था ना, वो हिला दिया, जिसकी वजह से ना वहाँ का ट्रैफिक बंद है, लेकिन वो जो ट्रैफिक है वो यहाँ से घूम के जाता है। और ये जो रास्ता है ये प्रॉपर ऑफ रोड रास्ता है, मतलब आपको अगर मैं रियलिटी में दिखाऊंगा थोड़ी देर आगे जाके, पूरा पानी के अंदर से घूमता फिरता हुआ आ रहा है। और एक टाइम मेरे को डर लग गया था क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अभी तक हाईवे ट्रेन के टायर ही हैं और HT टायर से ये गाड़ी यहाँ तक आ गई, मतलब कहीं भी फील नहीं हुआ कि गाड़ी कहीं फंस सकती है। अभी तक हम इसको 4 हाई में ही किया है, 4 लो में तो किया ही नहीं इस गाड़ी को, इसी वजह से मेरे को यार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, गाड़ी कहीं भी जा सकती है, मतलब बिना कुछ देखे दाएं दाएं भी घुसा इस गाड़ी को। लेकिन ये जो व्हीकल है काफी कैपेबल है यार, मतलब बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो यही है अपने हाइलेक्स का फन, बहुत ही दमदार गाड़ी है, मतलब इतना सही स्मूथ तरीके से हमको ये ऑब्स्टिकल क्रॉस करवाया ना, पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी फंसी है कहीं। अपने ऑटोमेटिक होने का एक फायदा हो रहा है, गियर चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, चलते रहो एक्सीलरेटर दो, गाड़ी अपने आप निकल जाती। और अभी तक तो ये सिर्फ हाईवे ट्रेन के टायर है, मत ट्रेन तो लगाया नहीं। चलो जी आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, और अगर आपको कोई भी टोयोटा का प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो टोयोटा अमृतसर एंड पठानकोट पे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।